सारे पार्थिव, तो अब आप किसको उतारना चाहेंगे मैदान में? प्राची शाह को कहूंगा कि आप अपना सोलो परफॉर्म कीजिए। जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एकदार था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। कविता जी से पूछते हैं, आप बताइए आपको ये प्यार की कहानी कैसी लगी? ये गाना अंतरा बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा था। आप थोड़ी वॉइस बना के गा रही थी, जो पहले गाने में जो आपकी खुद की आवाज थी, यहाँ आप उसको बना के वो स्टाइलाइज कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू स्टाइलाइज। डेफिनेटली ये गाना स्टाइलाइज है, आप इसको स्टाइलाइज जरूर कीजिए, पर वो स्टाइल में आपको बहुत कंफर्टेबल फील करना चाहिए। मुझे बहुत वॉल्यूम फ्लक्चुएशन लग रहा था, जिस वजह से स्टार्ट का आपका जो लाइन था गिटार के क्वार्ड के ऊपर, वहीं से मेरे को सारा सुर वहीं स्लिप हो रहा था, तो मुझे सुर में फुल कंट्रोल नहीं लगा आपका ये गाना। अपने एफर्ट अच्छा है, गाना गाई अच्छा, बस थोड़ा लय का ख्याल रखना बस। थैंक यू सर। एक परफॉर्मेंस होता है जब आप स्टेज पे गा रहे हो और सामने 25,000 लोग आपका गाना सुन रहे हैं स्टेज पे, तब आप बहुत बिंदास गाते हो, और जब बिंदास गाते हो तो क्या है, बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी भी निकलती हैं और बेटर भी निकलती हैं।
लेकिन यही गाना जब यहाँ पे वप्पीदा, कविता जी और श्रीमान अभिजीत जी बैठे हैं तो यही परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। तो मैं इसीलिए आपको बोलूंगा कि टेरिफिक परफॉर्मेंस, टेरिफिक सॉन्ग, बाकी माइन्यूट क्या है नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड गाना है, अगर मैं खुद ढूंढने जाऊं तो मैं भी भटक जाऊंगा। मतलब एज अ होल बहुत अच्छा गाया। सारे गाना।